हेलो जी, मेरा नाम है शिल्पी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सोलफुल लाइफ में। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कच्चे केले की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी को हमें बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है वो ये हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा रॉ बनाना, जिसको कि मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसको काटते समय आपको ध्यान रखना है कि इसके छिलके को पूरी तरह से नहीं हटाना है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें रहने दें। लाइक आप देख सकते हैं, कच्ची केले को आयरन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। तो अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी या हीमोग्लोबिन डाउन है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी फायदा। इंग्रेडिएंट्स टोमेटो प्यूरी, अनियन प्यूरी, चॉप्ड कोरिएंडर और सिलेंट्रो। मैं यहाँ ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप जो यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है चॉप्ड गार्लिक एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट। और स्पाइसेस में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ये हैं, रेड कश्मीरी चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और काली मिर्च पाउडर, सॉल्ट। मैं यहाँ पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, आप जो करते हैं वो कर सकते हैं। एसाफटिडा हींग, जीरा, क्यूमन सीड्स, गरम मसाला एंड टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर और रेड चिली पाउडर। और मेज़रमेंट के लिए मैं यहाँ मेज़रिंग स्पून्स का यूज़ करूँगी। मैं एक पैन लेना है और उसमें मैं 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखना है आपको ऑयल सफिशिएंट क्वांटिटी में यूज़ करना है, बिकॉज जो कच्चा केला होता है वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आप सही से ऑयल नहीं डालेंगे तो ये ड्राई ड्राई सा हो जाएगा। नेक्स्ट, जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब तो हम उसमें चॉप्ड गार्लिक ऐड कर देंगे और उसके बाद हमें इसमें एसाफटिडा यानी कि हींग ऐड करनी है। मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून हींग ऐड की है। नेक्स्ट, इसमें 1 टेबल स्पून जीरा यानी कि क्यूमन सीड ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे और उसके बाद जीरा और गार्लिक यानी कि लहसुन भुन जाने के बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसके उसको आपको अच्छे से भून लेना है। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें अनियन प्यूरी यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ अनियन प्यूरी ऐड कर रही हूँ और अनियन प्यूरी को अच्छे से हमें भून लेना है जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे। जब ये साइड से ऑयल छोड़ देगा तब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करना है। रेड चिली पाउडर जो नॉर्मल तीखा वाला मिर्च का पाउडर होता है वो यूज़ करना है। प्यूरी अनियन को अच्छे से हमें भून लेना है और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और उसके अच्छे से मिक्स कर दें। और उसको मसाले को अच्छे से भुनने देना है आपको। फिर इसमें टमाटर की प्यूरी को ऐड कर देंगे और इसको भुनने देंगे। इसको भुनने के लिए आपको छोड़ देना है। टू टेबल स्पून सॉल्ट यूज़ करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ बनाना स्लाइसेस को ऐड कर दिया है। मैंने यहाँ 4 लार्ज साइज़ केले की स्लाइसेस कट करके डाली हुई हैं और उसी के अकॉर्डिंग सारे स्पाइसेस हैं। अब हम इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट्स के लिए और आफ्टर 15 मिनट्स इसको चेक करना है कि ये अच्छे से कुक हो गए हैं या नहीं। आप देख सकते हैं मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे। सही से कुक नहीं हुए हैं तो मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए और कुक होने के लिए छोड़ दिया है। 10 मिनट्स के बाद आपको फिर से चेक करना है और जब आप इसको अच्छे से चला देंगे तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है।
हमारी सब्जी रेडी है और अब हम इसमें सिलेंट्रो लीव्स जो कि हमने चॉप्ड करके रखी हुई हैं वो इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर देना है। ये इसके स्वाद को और ज़्यादा एनहेंस कर देगा। और आप इसको पूरी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और रेसिपी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।